हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, खास करके बिहार या बिहार के बाहर के राज्य के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी भर्ती है। अगर इस भर्ती के बारे में बात करेंगे तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जी हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई। तो नाम से आपको पता चल चुका होगा कि भूमि सुधार है, तो ये जरूर जमीन से रिलेटेड ही काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और करने के लिए निकाला गया है ये भर्ती। अगर मैं बात करूँगा किस किस पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अमीन के लिए भर्ती निकाली गई है, कलर के लिए निकाली गई है, कानूनगो के लिए भर्ती निकाली गई है और असिस्टेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। ये जो पोस्ट है ये सारा भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, आपने देखा होगा कि जैसे ज़मीन की मापी होती है, किसका ज़मीन कितना है, या फिर क्लर्क वगैरह जो होते हैं, कानूनगो, ये सब जो पोस्ट होता है ये उनका काम होता है ज़मीन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ एकत्रित करना, ज़मीन की नापी जोखी करना और ज़मीन का बंटवारा करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर आती है। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है, इस साल की मेरे हिसाब से बहुत अच्छी भर्ती है। अगर टोटल सीट की बात करेंगे, सीट के हिसाब से ये भर्ती बहुत बड़ी है। टोटल सीट है 2506, 2506 पदों पे ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। अब देखिए, इस पूरे वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या इसमें एजुकेशन मांगा गया है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और कितना कितना सीट किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, एज क्या है, वो सब कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा। और इतना बेहतरीन तरीके से कोई भी आपको ये नहीं समझाने वाला है कि कैसे कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा, और अब जब समझ जाइएगा ना तो आपको खुद से लगेगा कि नहीं, इतना आसान तरीका कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहले 2506 सीट पे ये टोटल भर्ती निकाली गई है, ये चीज़ आपको समझना होगा कि 2506 सीट में, इसमें मैं आपको पहले बताया कि 1, 2, 3, 4 चार पदों पे ये पूरी भर्ती निकाली गई, और चारों पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अमीन के लिए भर्ती है, क्लर्क के लिए है, असिस्टेंट के लिए है और कानूनगो के लिए है, ये चार पद हैं। अब यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, जिसको हम लोग अनरिजर्व कहते हैं, जनरल कैटेगरी। ऊपर का जो कॉलम है वो आपको कैटेगरी वाइज मैंने बांट दिया है, ये जनरल हो गया, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, ये बीसी कैटेगरी हो गया, जैसे बीसी1 बीसी2 होता है, ये ईबीसी होता है, इकोनॉमिकली जो होता है थोड़ा सा वीकर सेक्शन वो हो गया, ये एससी हो गया, ये एसटी हो गया, और ये ईबीसी फीमेल कैंडिडेट है, लड़कियों के लिए भी यहाँ पर अलग से सीट दिया गया है। ईबीसी में जो लड़कियाँ आती हैं उनके लिए भी ये सीट दिया गया है। अब आप समझिए, अमीन जो है, अमीन का जो पोस्ट है वो आपको देखने को जनरल में मिलेगा, 1005 पद है, जी हाँ, 1005 सीट पर ये पूरी भर्ती अमीन को दी गई है जनरल में। बहुत बड़ी भर्ती है, आधी भर्ती तो आपको यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें 1005 भर्ती अगर अमीन का यहाँ पर दिया गया है, तो यहीं पर ही आपका लगभग लगभग आधा भर्ती यहाँ पर खींच लिया अमीन। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 92 सीट है, बीसी में 161, ईबीसी में 288 सीट है और एससी में 293, एसटी में 12 है और ईबीसी फीमेल को 93 सीट यहाँ पर दिया गया। सबसे बड़ी भर्ती अमीन में निकल करके आई है नंबर वन, इसलिए मैंने इसको नंबर वन पर रखा है, अमीन में सबसे बड़ी भर्ती आपको है। अगर आप पूरा जोड़ लेंगे तो मेरे हिसाब से 1000 इधर हो गया, 300 और 300 इधर, 600, 1600 और यहाँ पर 17, 1750, 18, 1900 भर्ती यहीं पर ही ख़त्म हो जा रही है आपका 2500 में। लगभग लगभग 2000 सीट आपको अमीन में केवल आया हुआ है, और ये सबसे बड़ी भर्ती है इस साल की अमीन में। जी हाँ, अमीन की बात करूँगा, अमीन में आपको 2000 पद लगभग लगभग देखने को मिल रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क में देखिए जनरल में 105 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 23 है, बीसी में 22 है, ईबीसी में 39 और एससी में 30 है, एसटी को मात्र एक सीट दी गई है क्लर्क में, और ईबीसी फीमेल वाले को 6। देखिए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खास करके वैसी लड़कियां जो इन चीज़ों में जाना चाहती हैं, इन पदों पर भर्ती लेना चाहती हैं, और एक अच्छा रेप्यूटेशन, अच्छा जॉब है, हमारे हिसाब से बहुत बेहतरीन जॉब है, रेप्यूटेटेड जॉब है। अगर आप ब्लॉक स्तर पे या भूमि सुधार विभाग में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट की बात करेंगे तो असिस्टेंट का सीट यहाँ पर जनरल में 41 है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, बीसी में 24 है और ईबीसी में 6 है, एससी में 15 दिया गया है और एसटी को 2, फीमेल वाले को ईबीसी फीमेल को फिर से 5 यहाँ पर दे दिया गया है। अगर अमीन के मुकाबले बात करेंगे तो ये सब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। कानूनगो में देखिए 95 सीट जनरल को दिया गया है, 95,
और अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले को बात करेंगे तो 12। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनका 8 लाख से कम इनकम है, उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिया गया है। बीसी वाले को 29 दिया गया है, ईबीसी को 34 दिया गया है, एससी को 52 है और एसटी को 2, और ईबीसी फीमेल को 16 सीट है। ये पूरा कानूनगो में है, इस तरीके से ये पूरी सीट का भर्ती का आपका निर्धारण किया गया है। अब आपके मन में तो ये समझ आ गया होगा कि किस पोस्ट में कितना सीट यहाँ पर निकाली गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इलिजिबिलिटी चेक करना कि आप इलिजिबल है भी कि नहीं इन सब पदों के लिए। तो इलिजिबिलिटी पे सबसे पहला चीज़ हम लोग चेक करते हैं एज। एज देखिए, मिनिमम यहाँ पर 18 वर्ष रखा ही गया है, किसी किसी पोस्ट में 21 भी रखा गया है मिनिमम। जी हाँ, किसी किसी में 21 भी दिया गया। जैसे आप क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क में मिनिमम 21 साल है, और 21 साल से नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और लगभग लगभग सभी में 18 वर्ष दिया गया। मैक्सिमम जो है एज आपका 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 37 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, और एज की गणना मतलब कट ऑफ कब दिया गया है, तो 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कम और 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिएगा। और रहा कैटेगरी वाइज छूट, तो आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर ली, एससी एसटी वाले 42 साल तक अप्लाई करेंगे और ओबीसी वाले 40 साल तक, तो इस हिसाब से आपका एज का सारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब होता है नियोजन अवधि कितने दिनों के लिए होगी, किस टाइप का ये जॉब है, कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी कि ये जो भर्ती है ये आप संविदा आधारित भर्ती है। संविदा का मतलब होता है कि आपको कुछ समय के लिए आपको जॉब दिया जाएगा, और उस समय को ख़त्म होते पीरियड का आप नियोजन नीति से बाहर चले जाएंगे, मतलब आप फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है नियोजन अवधि का। नियोजन अवधि में सीधा संविदा आधारित आपकी भर्ती है ये, और जो आपका जॉब होगा वो 31 मार्च 2024 तक। तो बात करेंगे कि अगर ये भर्ती होती है तो इस साल के लास्ट लास्ट तक आप ज्वाइनिंग करोगे, मतलब 2023 में आप रहोगे और अगला 2024 में रहोगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे तो 1 साल का आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया काम वाम किया है, इसको 1 साल बढ़ा दो। अगर सुटेबल लगेगा तो तभी आपका 1 साल बढ़ाएगा, मतलब 2025 में आप रिटायरमेंट हो जाओगे अग्निवीर की तरह। अग्निवीर वाले जैसे 4 साल में रिटायरमेंट होंगे, तो यहाँ आपको 3 साल में रिटायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और अग्निवीर को तो कुछ पेमेंट वगैरह भी पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, जो काम करेंगे वही पैसा है। अब पैसा कितना मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो निकल करके आया है 31,000 मिनिमम है यहाँ पर, और आपको सैलरी में भत्ता वगैरह भी बहुत सारा दिया जाएगा। 12,000 रुपये तो आपको मोबाइल का, गाड़ी का, फलना ढिकाना क्या क्या इसमें खर्चा वगैरह है जो आपका होता है। बेसिकली जैसे अमीन है, कहीं जाना है नापी जोखी करने, तो आपको वहाँ पर गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये सब खर्चा होता है, तो आपका एक्स्ट्रा भत्ता आपको दिया जाएगा साल में 12,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये आपको हर महीने आपको इसमें से खर्चा करते रहना। अब आप उसको 1 महीने में खर्च दीजिए या 1 साल में खर्चा कीजिए, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, 30, 35, 55, 60 तक भी जाएगी सैलरी। तो ये सब आपको पोस्ट वाइज निर्धारण किया गया है। ज़्यादा जानकारी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको सैलरी वगैरह, मेरा बोर्ड छोटा है नहीं तो मैं तो बता देता कि कितनी कितनी सैलरी किस किस पोस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी आपको अच्छी खासी है, पद भी अच्छा खासा है। अब ये हो गया आपका सैलरी की बात और आपकी कब तक आपकी जॉब रहेगी। अब बात होती है किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन चाहिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, अमीन की जो भर्ती यहाँ पर है, अमीन में यहाँ पर मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, एक चीज़ हमको यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सही नहीं है, उन सभी लड़कों के लिए ये नाइंसाफी है जो इन इन पोस्टों के लिए तैयारी करते हैं, उसमें से बेसिकली 10th वाले 12th वाले ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं, और ये सब जो पोस्ट होता है ना बेसिकली 12th तक चलता है यार, इसमें डिप्लोमा वगैरह लाना ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाती है वैसे सभी कैंडिडेट के लिए, और बहुत बड़ा पोस्ट भी नहीं है, संविदा आधारित भर्ती है। कोई परमानेंट जॉब रहता तो एक समझ में आता, संविदा आधारित भर्ती में सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपको भी देना चाहिए। अमीन के लिए यहाँ पर बोला गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब खास करके सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तभी आप अमीन के लिए अप्लाई कीजिएगा, समझ लीजिए।
अमीन में वही अप्लाई करेंगे जिनका सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होगा। क्लर्क में कोई भी डिग्री, चाहे बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमएस, सॉरी आपको बहुत सारा होता है, हमको नहीं उतना बुझा रहा, ठीक है, जो भी आपको क्लर्क में डिग्री वाले, खास करके उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट। असिस्टेंट में देखिए पोस्ट यहाँ पर कम है, ठीक है, पोस्ट सबसे ज़्यादा अमीन में था, तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल वाले तो देख करके पूरा एकदम गदगद होंगे कि हमारी तो भर्ती बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप बिहार के हैं तो आपको छूट भी मिलेगा। अब छूट की बात हो जाती है तो 35% लड़कियों को छूट मिलने वाला है, याद रखिएगा 35% लड़कियों को अलग से छूट मिलेगा। ये आपको पता है कि 2016 का एक नोटिफिकेशन है बिहार सरकार में, जिसमें लड़कियों को अलग से आरक्षण दिया गया है। तो अगर लड़कियां वीडियो देख रही हैं ना, तो अमीन में अप्लाई कीजिए अगर आप इस क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेती हैं। क्लर्क में एनी डिग्री। क्लर्क में सीट अगर बात करेंगे तो देखिए सीट यहाँ पर भी है ठीक ठाक, अगर ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कीजिए, ठीक है। असिस्टेंट में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। असिस्टेंट में जो भी अप्लाई करेंगे सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपका डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं, डिग्री, मतलब बीटेक, जी हाँ बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ आपको देख लेना। एक्सपीरियंस अगर नहीं रहेगा तो बाहर जाइए। एक्सपीरियंस भी किस टाइप का, अगर कोई गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क आपने किया हुआ है, या टेम्प्रोरी में, मतलब गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इस टाइप का अगर आपने कोई काम किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका चल जाएगा। एक्सपीरियंस जितना होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस में मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा सेलेक्शन प्रोसेस में, वो भी ध्यान से समझिएगा। कानूनगो में आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा मांगा गया है, सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, जबकि असिस्टेंट में डिग्री मांगा गया है, बीटेक, डिफरेंस है दोनों में, यहाँ डिग्री मांगा गया है असिस्टेंट में, और कानूनगो में डिप्लोमा मांगा गया है। ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी थी, मैंने आपको बताया। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होने वाला है वो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको कोई भी इस तरीके से नहीं समझा पाएगा, ये मैं गारंटी दावा कर सकता हूँ कि आपको सिलेक्शन कैसे होने वाला है। देखिए मैं सिंपल सबको फंडा बता देता हूँ। सिलेक्शन जो होगा आपका, जो भी आपने परफॉर्मेंस किया अपनी पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, इसी पे सब कुछ आपका सिलेक्शन निर्धारण होगा। कोई अलग से एग्ज़ाम या कुछ ऐसा अभी तक नहीं लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आपका परफॉर्मेंस, आपका पढ़ाई लिखाई होगा, जो भी आपने अपना डिग्री जमा किया है, वही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10th अगर किए हुए हैं तो 10th में आपको सबसे हाईएस्ट 10 नंबर मिलेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैक्सिमम आपको 10 नंबर दिया जाएगा 10th में। अगर आपने ITI और डिप्लोमा दोनों में से कोई भी एक किया है, या दोनों भी किए हैं तो कोई फर्क नहीं, दोनों में से कोई एक ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, तो आपको 90 नंबर दिया जाएगा, हाईएस्ट 90 नंबर। मतलब इसको क्या बोलते हैं कि आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर नंबर को डिवाइड किया गया है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। अब 15 नंबर मिलेगा कैसे वो भी आपको समझना होगा। ग्रेजुएशन वाले को 70 नंबर दिया जाएगा, और PG वाले को 5 नंबर दिया जाएगा, और एक्सपीरियंस जिनका है उनको हर साल 2-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर आपको मिलेगा। अब समझिएगा, अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, समझिएगा, अब ये डिप्लोमा किया हुआ है बंदा, अमीन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये ज़रूर 10th पढ़ा होगा, ये तो एकदम कन्फर्म है। तो अब मान लीजिए ये 10th पढ़ लिया, 10th उसके बाद फिर क्या किया, डिप्लोमा किया, ठीक है, 10th प्लस डिप्लोमा, ये आपका एजुकेशन मांगा गया है। अब इसका 10th में आया है मान लीजिए 70% मार्क्स आया है, 70% नंबर ये 10th में लाया है, और डिप्लोमा में लाया है 80% मार्क्स, ठीक है, ये आपका एजुकेशन हो गया, ये आपका परसेंटेज हो गया 10th का, और ये डिप्लोमा का परसेंटेज हो गया। अब आप सोचिएगा कि कैसे इसमें से मेरिट मेरा बनेगा, या कितना मेरा मार्क्स गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी मेरिट बनाते समय, तो ये चीज़ अब ध्यान देने वाली बात है। जैसे 10th में इन्होंने 70% लाया, तो 10th में आपको कितना नंबर दिया जा रहा है, मैक्सिमम 10 नंबर दिया जा रहा है। तो अब इसको देखिए, एक फार्मूला गवर्नमेंट दी है, 70 × 10/100, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप अपना जो आपका मार्क्स बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये 0, ये 0 कट गया, ये 0, ये 0 कट गया, बचा क्या,
7 × 1 मतलब आपको मैट्रिक में कितना नंबर मिल रहा? 7 नंबर मिल रहा, ठीक है, समझ लीजिएगा, 7 नंबर आपको मैट्रिक में मिला। अगर यही आपका मान लीजिए मैट्रिक में 80% रहता तो यहाँ पर हम लोग 80 × 10/100 कर लेते और यहाँ पर ये जीरो कट गया, 8 × 1 = 8, 8 नंबर आपको मैट्रिक में मिलेगा, आपका परसेंटेज के हिसाब से मैट्रिक में आपका ये मार्क्स बन गया। अब ये 8 नंबर आपको मैट्रिक में बिना है, ठीक है, अब डिप्लोमा में कितना है आपका? 80% है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। डिप्लोमा में मान लीजिए 80% है, तो यहाँ पर डिप्लोमा में 80 हो गया और डिप्लोमा में आपको मैक्सिमम कितना यहाँ से दिया जा रहा है? 90 नंबर दिया जा रहा है मैक्सिमम, तो 80 × 90/100, ठीक है, ये हो गया, समझिएगा, ये जीरो दोनों से कट गया, ये दोनों जीरो से, अब यहाँ कितना हुआ? 8 × 9 = 72, ये आपका 72 नंबर आपको डिप्लोमा दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना नंबर दे रहा है 10th में? 7 नंबर दे रहा है, ठीक है, तो 72 और 7 कितना हो गया? 72 और + 7 79 नंबर आपका ये ओवरऑल बना। ये ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होने वाला है, मेरिट इसी आधार पे आपका बनेगा और मेरिट में 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, ये आपको समझ लेना है। जैसे अगर अमीन की बात करेंगे तो अमीन में अगर 2000 पद है तो 2000 × 3 मतलब 6000 लड़कों को लिया जाएगा, 6000 लड़कों को कॉल लेटर भेजा जाएगा काउंसलिंग के लिए, इन्हीं का काउंसलिंग होगा और वो काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो आपका इंटरव्यू होगा या कुछ और तरीका लिया जा सकता है अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जितना सीट है उससे 3 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। अब यहाँ पर यही आपका जो परसेंटेज बनेगा, जो मार्क्स आपका बनेगा, यही आपका होगा। अब यही एक्सपीरियंस अगर जैसे आपका रहता तो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस में 2 नंबर आपको मिलेगा पर साल, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 × 2 = 2 नंबर आपको मिला, यहाँ पर 79 है, 79 + 2 = 81 नंबर आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस में। ये दोनों वाले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम, ठीक है। ये छोटा सा एक फंडा था, अगर आपको ये मार्क्स अभी भी कैलकुलेट करने नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप से आपका ये बनेगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वो प्रॉब्लम है, मैं आपको कैलकुलेट करके आपका पूरा बता दूंगा या मेरी टीम आपको पूरा बता देगी कि आपका कितना नंबर बन रहा है, मेरिट कितना पे बनेगा और क्या होगा, ये सारी चीज़ मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और इस तरीके की और भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।